हेलो प्रण, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? तुम भी करती हो, अच्छे होंगे आप सभी लोग। तो आप लोग की दुआ से मैं भी ठीक हूँ। स्वागत हमारे एक और नए ब्लॉग में, बने रहना आप सभी लोग। तो प्रण, काफ़ी दिनों के बाद में हम जाएंगे अपने खेतों पे घूमने के लिए। तो आप लोगों को दिखाएंगे हमारे खेत पे क्या फसल खड़ी हुई है। तो साथ में आपके भैया जी जाएंगे, कौन कौन लोग जाएंगे हमारे साथ में, तभी आप लोगों को दिखाएंगे हम। और अभी आपके भैया जी तो है नहीं रूम में, जब आएंगे तभी भैया जी को लेवा करके जाएंगे खेत पे घूमने के लिए। इधर प्रियंका दीदी पढ़ रही का पढ़ रही थी। अच्छा, ऐसे ही बैठी थी है। चलो रुके, खेत अब नहीं चले हो? चले भैया, कहाँ गए? बाहर आए भैया। जाना हम तो कह रहे थे थोड़े काम से जा रहे बाहर, हमने ऑर्डर भैया आ जाता हाँ तक चले। अभी आपके भैया जी घर पे हैं नहीं, थोड़े बाहर गए जाने काम से, जब आ जाएंगे अभी चले जाएंगे उनके साथ में हम। और ये मंदिर पर हुए माता रानी, यहाँ पर पूजा करते हैं हम सभी को। आपके भैया जी आ गए हैं घर पे, अब हम जाएंगे खेत पे। चलो अरके खेत अब घूमने आए। चलो अरका हम सेब बनवाने गए थे ना, मार्केट करने गए थे, कहे आए मौसम सही है, ठंडी लो है मौसम, घूमने आप कह रहे थे उठा के मारे। हम लोग सब जने जा रहे यार में, तो भैया पीछे रह गए, आ रहे हो यहाँ भैया? भैया देखो भैया आ रहे पीछे पीछे, भैया जल्दी आ, कछु भूल गए सोले ने। भैया इतने पीछे कह रहे थे, कहा भूलिए थे? जरा दी भूलिए तो बोल ही जा, हमने बढ़िया ले घास काट ले, वहीं जाते रहे ही है। सही है, सही बच के गए थे पहले। फोन पे सफाई हो रही, कल मेला लगे है, बूढ़ा मंगर को मेला लगे है भाभी। हाँ। बूढ़ा मंगर को मेला लगत करे है ना हर साल, तो उन पे सफाई हो रही। बड़ी भाभी देखो आगे ने करी भैया, आगे लोग पीछे रह गए और का पाली लग रही है दानन में, समझ ही नहीं कर रही है। जल्दी चलो भाभी, बहुत धीरे धीरे चल रही, भैया आगे नहीं करिए देखो, भैया नहीं करी गए आगे, खतरों का लगे ही नहीं। अब भाभी यार में देखो कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सही है, और तबीयत में आराम मिली हो, सही रहे। अम्मा के संग में जन्नी तो छिन गई है। तो खेत पे पहुंचने वाले हैं अपने, थोड़ी दूर रह गए। देखो धान में बाली आई। तो दोस्तों अब हमने फोन ले लिया इनको, अब लोग हम बनाए हैं थोड़ी देर क्रिया है। ये मैड अपने लड़किया पतरी पतरी मैड है, और जे ये देखो कहा है, ये कहा लगो पता है? ये कहा है? अच्छा हम यार पता नहीं कहा लगो जी। पेड़े अपन आए हो देखो, जामुन को पेड़ एक महीना पहले जमनी लगती बहुत कसके जावे, झरी अब कहा सीजन खत्म। देखो दोस्तों हल्दी खेती हमारे यहाँ, हल्दी कर लेते हैं लोग बाग, अब निराए दही जब घास आस आती बहुत कसके खत्म कर दही, अब साफ हुई, अब जाए एक साल में तो पूरी गन्ना है जी। अब हमारे ये उखारी नहीं होती, पहले बहुत उखारी दोस्तों होती, गन्ना ना चोरी ना करियो ना, ना प्रियंका गन्ना चोरी करने जा रही थी, देख ले जब बड़ा भैया मेड़ पथरी मेड़ है ना गिर जाओ। हाँ देखो धान कितना तो बढ़िया आपकी धान, पड़ोसी धान अच्छे लगो है जी। देखो दोस्तों तीन धान ही धान, देखो पूरा कैमरा मैंने घुमा दिया, हर तरफ धान ही धान है हमारे यहाँ। तो दोस्तों आज के दो तीन साल पहले हमारे यहाँ धान नहीं होता था, मतलब मेरे खेतों में धान नहीं होता था, बाजरा स्टेम और मक्का और जुंदरी इतनी होती थी, बहुत ही ऐसा खेत नहीं था जिसमें मक्का नहीं होती थी। लेकिन अब गैया की वजह से और रखवाली नहीं हो पाती है, कीड़ा खा जाते हैं, बरसात वाली मक्का होती नहीं, इसलिए लोग अब धान की फसल कर रहे हैं। सब लोग आ चुके हैं खेत से,
ये रहा अमरूद, ना अमल दूसरी लगन लगी सफड़ी। तो मैं नहीं दिखाई, देखो करी आज लगे, ये देखो लगे लगे अमरूद बहुत लगन लगे दोबारा। हाँ जी बाजरा अरे को खड़ो बाजरा, हम कल दबा दोस्तों डारी है बहुत कीड़ा लगो तो जामे सब खाए जा तो कल गाड़ दिए। अब सीजन आई पालक की और मेथी की, मेथी पालक गाड़ दिए सब। रतालू दोस्तों जैसे शकरकंद होती रतालू ही बोले जाते थे, जब जर में निकले नीचे धरती में दबी भाई। और मेरे छोटे नहीं थे मम्मी सो कचालू बे कचालू वो जो पौड़े तो कत्ते लेकिन जाके बेल पौड़े लेंगे जर में जो लगाते हैं आलू। ये शकरकंद लगाते हैं शकरकंद कैसी बिल्कुल। हाँ जी देखो टेंगी आया है, अरे कच्चे हैं तो मैं कच्चे। अब तुम देखियो आए हो 20 दिन बाद 10 दिन बाद आई हो, जेव नहीं मिले पहले लगी थी कुछ मिली थी एक नहीं मिल पाई खाए भी, कितनी सपड़ी आई बहुत। मैं कैसे लग रहा हूँ अब, अब कैसे नहीं लग रहा हूँ अब, जब दना थी लो बोरी पकड़ो घास काटो बाजरा में तो बाजरा में तुमने दवा डाल दी कह रहे दवा डाल मैडम काटे हैं मैडम। तुम अपनी देखो खेते थे अमरूद खाते हैं, मैं घास काट रहा हूँ काम पे लग गए जल्दी जल्दी काटो। हमने बहुत बिटिया घास काटी है वैसे ना, खूब खानी चारो करो। अब तो ये ना पता हमारी कटीत मेरी आधी आधी ही होती। तो अब हम लोगों ने खेत पे तो घूम लो है और बड़ी दीदी यहाँ की निकल गई है, अब हम जा रहे घर पे। चलो और का बात और का दीदी साथ पता नहीं बैठ रही दीदी बैठ लल्ला के मारे मुझे। तो दोस्तों फसल में बहुत कड़ी मेहनत करने पड़ती है, आपको बताएं जब फसल बही थी तक पहले हमने दवा डाली पूरी खेत में घास मर गई थी, तक बाद जुताई कराई तक बाद फिर बाजरा के बाद इसमें घास बहुत बिकट हो गई थी बहुत तेज हो गई थी, फिर दवा डाली मतलब दवा पड़ गई थोड़ी बहुत दवा काम करी फिर करी नहीं, लेकिन जब अब देखो जब बहुत कीड़ा दोस्तों लगो फिर मतलब दवा जामे डाली तीन तीन बार एक फसल में तीन तीन बार दवा पड़ चुकी है। बहुत सबसे समझने वाली बात यह है दोस्तों कितनी भी किसान कड़ी मेहनत कर ले कितनी भी जी जान लगा ले लेकिन जब वो मंडी में बेचने जाए चाहे धान हो चाहे मक्का कोई फसल हो वो अपने मन से अपना कोई मूल मतलब दाम नहीं लगा सकता है, वो कंपनी वाला वो मंडी वाला अपने दाम तय करेगा तभी फसल बेचेगी। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं दोस्तों लेकिन अपने जो भाव में अपने मूल्य में नहीं बेच पाते हैं, मेहनत हम करते हैं लेकिन इसका जो भाव मूल्य तय करने वाला दूसरा ही बैठा है मंडी वाला और कंपनी वाले वो ही करते हैं, लेकिन जो कंपनी की चीज़ होती है खाने पीने कोई भी कुरकुरे हो कोई भी हो मोवो जो लेकिन वो अपने खुद दाम तय करते हैं, चाहे वो बीस की हो तो हम लोगों को बीस लेने पड़ेगी लेकिन जो किसान की फसल होती है दोस्तों वो कोई तय नहीं कर पाता वो ही लोग करते हैं, ये है अंतर कंपनी में और किसान के लोगों में। अब हम जा रहे घर पे और भैया जी ने घास काट ली भैंस के लिए बोरी भर लाई हमने पूरी सही है दूब घास है खा ली है। भैया का थक गए और का एक बोरी घास काटी, तुम तो कई कटवा दे तुमने काटी नहीं। भैया हमने कभी काटी नहीं, खेत को काम नहीं करो हमने कभी, कम ससरे में करा करो तो ससरे में करा। अब हम आए गए घर पे, दीदी मूंगफली चब रही है, आप लोग आ जाओ खाने के लिए मूंगफली दीदी बुला रही है। तुमने बहुत दिन और इधर भैया बात कर रहे दीदी से, किनसे बात हो रही है? दीदी है मामा की बिटिया उनसे बात हो रही है, वीडियो कॉल पर बात हो रही है, कुल इतना ही फोन करती है ताकि महाराज बात हो रही है बार रहती है वही से बात हो रही है वीडियो कॉल पर बात हो रही है। तो आप लोगों को एक बात और बताना चाहती हूँ, तो क्योंकि आज मैंने ब्लॉग डाला तो आप लोगों ने कुछ उसमें कमेंट किए हैं कुछ हमारी दीदी के बारे में, तो आपके भैया जी बताएंगे। तो दोस्तों जो आप लोगों ने यहाँ के ब्लॉग में कमेंट किया आज के ऐसा कुछ नहीं है,
जो जैसे भाभी कोई काम में बिजी ज़्यादा हो गई या घर पे नहीं है कि चली गई मतलब कुछ काम के लिए तो नहीं आ पाती हैं, तो ब्लॉक में ऐसी कोई बात नहीं है, ना नया की झगड़ा हुआ ना लड़ाई हुई, कोई बात नहीं। जब वो सामने आ जाती हैं तो ब्लॉक में आ जाती हैं, जैसे नहीं होती हैं तो नहीं आ पाती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और जैसे कि मतलब दीदी अगर घर पे ना ही हो, कहूँ रिश्तेदारी में चली जाए और मैं घर पे अकेली हूँ, तो हम अकेले भी ब्लॉग बना सकते हैं आप लोगों के लिए, ज़रूरी यही तो बात नहीं है कि मतलब कि हर एक ब्लॉग में दीदी को हम दिखाते रहे कि दीदी रिश्तेदारी में जा रही हैं, तो उनके साथ में तो हम जा नहीं पाएंगे, जाएंगे तो तभी दीदी को हम दिखाएंगे। हाँ भाभी घर पे होती हैं जैसे सामने हैं तो ब्लॉग बन जाता, जब नहीं है तो फिर क्या करें, तो इसलिए आप ऐसा कमेंट मत कीजिए, आप लोगों से हाथ जोड़ से प्रार्थना है, और ऐसे ऐसा कुछ नहीं है, नया के साथ वो लोग क्रिया से रहते हैं। और आप लोग ऐसी मत कमेंट करो कि ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारा लोगों का झगड़ा, तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, उस दिन भाभी थी नहीं, आप लोगों ने कुछ नया ने मोहरी के बारे में या जो आज ब्लॉग में आप कमेंट किया है उसमें आप लोग कमेंट करें मोहरी वोरी के बारे में, ऐसा कुछ नहीं है। भाभी घर पे थी नहीं, काम के लिए चली गई थी बाहर, तो उन्हें जल्दी में मोहरी लगा ली थी कमरे में। और वैसे भी जब से शादी हुई है तब से दीदी को हम पहली बार पहले मोहरी लगाते हैं, उसके बाद में हम लगाते हैं, और जैसे दीदी कुछ काम में बिड़ी है अगर बिन्ने लगा ली है तो अगर हम रह गए हैं तो हम भी लगा सकते हैं बाद में। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, आप लोग ऐसा मत सोचो, हमारे घर पे ऐसे कोई लोग नहीं है, न लड़ाई झगड़ा नहीं के, आराम से प्रेम से रह रही ऐसी कोई बात नहीं है। और आज आप देख लेना इसी ब्लॉग में, आज भाभी और न्याय और प्रियंका दीदी हम सब लोग खेत पे गए थे घूमने, बड़ी भाभी गई थी तो इसी में मैं आएंगी, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे लोगों का झगड़ा नहीं हुआ है, आराम से जैसे पहले रह रहे थे। यही है जैसे मतलब भाभी नहीं घर पे हैं तो उनका ब्लॉग नहीं बन पा रहा, नहीं सामने आ पा रही, वो घर पे हैं तो जरूर हम उनकी इन पे नहीं आता, अगर भाभी नहीं जैसे अकस्मात हमारे में आ गई तो हम अपने ब्लॉग में दिखा देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। तो फ्रेंड वीडियो हमारा काफ़ी बड़ा हो गया है, तो वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कॉमेंट शेयर कर देना आप लोग, और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।